बेसन के लड्डू इन माइक्रोवेव बनाने के लिए हमें लगेगा 2 कटोरी बेसन लिया है मैंने, 1 कटोरी घी लगेगा हमें, बादाम लिए हैं मैंने, 1.5 कटोरी पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब मैंने एक बोल लिया है, अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। अब हमें घी को मेल्ट करना है, मैं 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी। अब हमारा घी मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, लम्स ना फॉर्म हो। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी। वन मिनट हो गया है, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। एक और मिनट हमें इसे माइक्रोवेव करना है। अब 1 मिनट हो चुके हैं, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे मिक्स कर लिया है और 1 मिनट में इसे माइक्रोवेव करूंगी। हमें बीच बीच में इंटरवल्स में चेक कर लेना है, वरना हमारा बेसन जल सकता है। तो हमारा 1 मिनट और हो चुका है, फिर से हम निकाल लेंगे, इसे मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे 1.5 मिनट के लिए और एक बार माइक्रोवेव करेंगे। अब ये हमारा 1.5 मिनट हो चुका है, दोबारा से चेक करते हैं। अब मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे 1 और मिनट माइक्रोवेव करेंगे।
एक मिनट हो चुका है, अब फिर से हम चेक करेंगे। अब इसे मिला लेना है। अब मैं इसे लास्ट के 30 सेकेंड्स और करूंगी माइक्रोवेव। अभी हमारा बेसन पक चुका है और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। टोटल टाइमिंग मुझे 6 मिनट लगे हैं, 6 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव किया है। एवरी 1 मिनट निकालना है और चेक करना है और स्टर करके फिर दोबारा रखना है। जब ये हमारा हल्का ठंडा हो जाए तब हम इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूंगी। पिसी हुई शक्कर ऐड करूंगी। अब इसे मिक्स कर लेना है। हमें अच्छे से शक्कर को मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। इस तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। तो ये हमारे बेसन के लड्डू तैयार है। अब मैं इसमें ऊपर से बादाम लगा देती हूँ। तो ये हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं इन माइक्रोवेव। इसके लिए टिप्स हैं कि जब हमारा बेसन पक जाए माइक्रोवेव में तो ठंडे होने के बाद हमें पाउडर शुगर ऐड करना है, पीसी हुई चीनी। अगर आपका बेसन पतला हो जाए तो आप उसमें और पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा।